नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बीते दिनों कोलकाता की दरिंदगी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस संगीन मामले ने एक बार फिर पूरे देश को निर्भया कांड की याद दिला दी है। जिस राजनीति को इस संगीन मामले में संयम दिखाना चाहिए था, वो दिखाई नहीं देती। जिस पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए थी, वो नजर नहीं आती। और जिस समाज को संवेदना दिखाई देनी चाहिए थी, दिखानी थी, वो भी नहीं दिखाई देती। नौबत ये है कि कोलकाता में जब हमारे ये डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भीड़ ने उनके साथ तोड़फोड़ की, उन पर हमले किए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमारे डॉक्टर्स क्या अपने ही अस्पतालों में सुरक्षित नहीं हैं? हमारी महिलाएं हमेशा की तरह बस स्टॉप हो या फिर अस्पताल निशाने पर है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए, संवेदना पर बात करने के लिए, संयम पर बात करने के लिए और सख्ती पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन में, जो इस वक्त दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर चल रही है। निर्माण भवन स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है और यहाँ पर ये सभी डॉक्टर्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं कुछ डॉक्टर्स से यहाँ बात करने की। आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताइए कि जो इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, उसने सभी मानवीय मूल्यों को, जो ह्यूमन वैल्यूज है, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त आपके जहन में क्या हो रहा है? आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप कोलकाता की इस घटना के बारे में याद कर रहे हैं? मतलब बहुत ज्यादा आक्रोश है मन में, बहुत ज्यादा गुस्सा है। इंसानियत लोगों के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो बस एक डॉक्टर नहीं थी, एक औरत भी थी, एक इंसान थी। इंसानियत के नाते भी अभी तक लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है कि वो हमारा साथ दे। और बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है ये, कि वहाँ के जो पावर में जो लोग हैं, वो अभी भी उन लोगों को बचाने के चक्कर में है जो रेपिस्ट है। तो हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले और उनको फांसी मिले, जो भी उनके क्रिमिनल्स थे। आप चाहती हैं कि जो पीड़िता थी, उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले, और उसी के लिए आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि इस घटना ने निर्भया कांड की भी याद दिलाई है देश को। आपको लग रहा है 2012 और अब हम 2024 में हैं, बदला है कुछ महिलाओं के लिए यहाँ पे? कोई फर्क नहीं है, 12 साल बीत गए लेकिन महिलाओं की स्थिति 12 साल पहले भी वही थी और 12 साल बाद भी वही स्थिति है, कुछ नहीं बदला है। आज भी हमें रात को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। हॉस्पिटल जहाँ पे हम 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमको अभी तक वहाँ पे सेफ्टी फील नहीं होती। CPA एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है। हम इसीलिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए, सेफ जोन अस्पताल को घोषित किया जाए। यहाँ मौजूद डॉक्टरों की मांग यही है। रात का मतलब रेप नहीं। आप इस बैनर को, इस पोस्टर को लेके बैठे हैं। निर्भया कांड, एक बस स्टॉप में एक लड़की को निशाना बनाया गया और अब कोलकाता का यह मामला, अस्पताल तक महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? मुझे नहीं लगता इसके बाद भी कोई सुरक्षा है। मेरा मानना है रात पे सबका इक्वल हक है, या महिला या आदमी। ये जो हमारे कुछ अननेचुरल लोग हैं जो बोलते हैं कि रात पे सिर्फ आदमियों का हक है, उनके लिए ये एक उनके मुंह पे एक मुक्का है कि आज हमें खड़ा होना पड़ेगा साथ में इसको लड़ने के लिए, ताकि ये आगे ना हो, वरना ये कंटिन्यू होता ही रहेगा। इसके लिए हमारी लड़ाई है और हम तब तक नहीं हटेंगे तब तक हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, और हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि 2012 में जो पीड़िता थी, उसको निर्भया नाम दिया गया था। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो कोलकाता की पीड़िता है, उसका नाम अब अभया रखा गया है, जस्टिस फॉर अभया। अभया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार? तो इस तरह के बैनर्स लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। आप लोग काम पर लौटने से पहले
वाले क्या चाहते हैं, क्या करें सरकार? देखिए, हम सरकार से सिर्फ अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। उसके लिए डॉक्टरों को हॉस्पिटल छोड़ के अगर सड़क पर आना पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात है हमारे। हम इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, हमारा काम है सिर्फ सर्व करना पेशेंट्स को। उसके लिए भी अगर हमने अपनी सेफ्टी के लिए इतनी लंबी गुहार लगानी पड़ रही है तो बहुत ही बुरे हाल है। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर अ वर्क प्लेस सेफ्टी, नथिंग एल्स। वी वॉन्ट अ सेफ्टी एंड वी कैन, वी ट्रस्ट दैट वी कैन गेट दैट इफ वी गेट CPA, व्हिच इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर राइट नाउ। आपको लगता है कि इस एक घटना ने ये बात सामने लाई है कि जो आपका वर्क प्लेस है सुरक्षित नहीं है, या हमेशा से आप लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं बिना कुछ सोचे, ये एहसास रहता था कि हम सेफ नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है? जी, ये एहसास रहता था, पर आप ये कह सकते हैं कि इस घटना ने पूरे इंडिया की आंखें खोल दी है, जिस वजह से हमको भी लगा कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आए और लड़े। जो बंगाल में घटना घटी है उसके लिए हमारा लड़ना बहुत जरूरी है। अब इस घटना के बाद डर और लगता है? सबसे सैडनिंग बात जो है वो ये है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे हमारे सीनियर्स के साथ में, हमारे नॉन सीनियर्स के साथ में, कई सारे लोगों के साथ में, जब उनको हॉस्पिटल में आके पीटा गया है, मारा गया है, लोगों का खून किया गया है। बट ये हमें इंसिडेंट चाहिए था जागने के लिए, अब हम यहीं बैठे रहेंगे। आप अपने इस बैनर के जरिए क्या कह रही हैं? नो डॉक्टर कैन सेव अ सिक सोसाइटी। बिल्कुल, हमारे समाज पर एक टिप्पणी है कि हमारी संवेदनाएं, हमारे जो मानवीय मूल हैं वो कहाँ गए, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से कोलकाता में जब ये डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब भीड़ ने उन पर एक तरह से पथराव किया था, उन पर हमले किए थे, तोड़फोड़ की थी, तो ये सवाल बना हुआ है कि हमारी संवेदनाएं कहाँ गई हैं। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल लाइट्स के साथ सभी डॉक्टर्स अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप लोग CPA की मांग कर रहे हैं, तो ये बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, अगर CPA लागू होता है तो किस तरह से आप लोगों की, आप लोगों का जो सुरक्षा का जो एहसास है अस्पतालों में वो बढ़ जाएगा? अभी CPA का बेसिक रीजन जो है वो ये है कि हमारे पास कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है डॉक्टर्स के ऊपर। रोज आपको पता है कि रोज हमले होते हैं, अभी रिसेंटली यूसी में गोली चली थी वार्ड के अंदर, ये ऐसे इंसिडेंट रोज होते हैं, डॉक्टर रोज पीटते हैं। जो लोग 38 घंटे 48 घंटे 36 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं उनको अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो हम क्या समाज को मुंह दिखाने लायक हैं? हमें अपने डॉक्टर्स को अगर प्रोटेक्शन देंगे तो डॉक्टर्स भी हमारी समाज की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, डॉक्टर्स की डिमांड कोई ज़्यादा बहुत हाई फाई नहीं है, हमारी बहुत बेसिक डिमांड्स है। फीमेल अटेंडेंस जो डॉक्टर्स होती हैं 40-50% फीमेल डॉक्टर्स होती हैं किसी भी यहाँ पे, एटलीस्ट उनके पास एक कोई कमरा हो DDR जिसके अंदर उनके पास बेसिक वॉशरूम सर्विसेज हो। अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स में ये भी नहीं है, एक रूम हो जिसके अंदर नाइट ड्यूटी पे 15-20 मिनट की नाइट नैप ले पाए वो, जिससे वो रिफ्रेश होकर दोबारा अपनी ड्यूटी कर पाए। अभी वो भी नहीं है, कुछ जगह पे गार्ड्स है अवेलेबल, पर गार्ड्स क्या करते हैं? मैम आपको एक चीज बताइए, मुझे 1,000 लोग अगर किसी जगह पे इकट्ठा होकर आए हैं, क्या वहाँ के प्रशासन को पता नहीं लगा था कि 1,000 लोग आए हैं? 1,000 लोग आए हैं बहुत बड़ी चीज़ है, 1,000 की मोह बाकी हॉस्पिटल तोड़ जाती है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है, पुलिस वाले भाग रहे हैं, इससे बुरी हालत क्या होगी सिस्टम की? ये बताइए, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जीवन की रक्षा करते हैं, जब आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जो इमरजेंसी में है, जिनको आपकी जरूरत है, आप वो एहसास भी है, वो गिल्ट फीलिंग भी है कि आपको छोड़ दिया? यही बात मैं बताना चाहूंगा, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद जो कि अपनी इमरजेंसी ड्यूटीज पूरी करके यहाँ पे आ रहा हूँ। ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको लगता है अगर इतने सारे डॉक्टर्स अगर यहाँ पे स्ट्राइक में हैं, उनके वजह से जितने सारे पेशेंट्स को हम नहीं देख पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को ही लेना पड़ेगा ना। आप विकसित भारत की बात करते हैं, आज हमारे PM ने लाल किले पे बोला कि हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम उत्कृष्ट भारत बनना चाहते हैं। ये कैसा विकसित भारत है जहाँ पे
हम हमारे वर्क प्लेस पर आप एक गिल्ड के साथ भी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपने मरीजों को आपको पीछे छोड़कर अपनी मांग मनवाने के लिए मरीजों को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है मैम। अभी भी कैजुअलिटीज और जितने भी इमरजेंसी ड्यूटीज है सब चल रही है, वार्ड सारे रन कर रहे हैं, कंसल्टेंट सारे रन कर रहे हैं, केवल इलेक्टिव ओपीडीज बंद है, सारी की सारी इमरजेंसीज हैंडल किया। हमने इस टाइम भी अपनी ड्यूटीज नहीं छोड़ी है, जो भी अगर कोई भी बंदा सीरियस है उसका हम इलाज सही तरीके से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इतना होने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को हमारी मांगे सुननी चाहिए इस पॉइंट पे आकर के? और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आयुष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सफदरजंग अस्पताल के। डॉक्टर आयुष, ये तय है कि CPA से कुछ भी कम नहीं और वही इंसाफ है, वही इस वक्त की मांग है आपकी? या CPA से कुछ कम की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो शर्मसार वारदात जो घटना हुई है, आगे ऐसा किसी भी डॉक्टर जो वर्क प्लेस पर होता है या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए हम CPA के डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें, परसों उत्तराखंड के देहरादून में भी एक नर्सिंग ऑफिसर के साथ रेप करके कोई हत्या कर दी जाती, सेम वही वारदात। तो ऐसी वारदात कमिंग फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हम CPA के लड़े हुए हैं। ये बताइए कि जो कोलकाता में हुआ है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में अस्पतालों की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी है? आप लोगों को क्या लग रहा है किसकी बनती है ये जवाबदेही? नहीं, सबसे पहले सरकार को ये समझना चाहिए, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो हमेशा रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ होती हैं। आप इमरजेंसी में देख लीजिए या फिर जो भी देख लीजिए, रात जो भी घटनाएँ होती हैं रात के टाइम, कभी भी हमारे कभी सीनियर डॉक्टर्स नहीं, जो भी रात के टाइम वर्किंग होता है वो हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। इमरजेंसी में जो मॉब आती है, जो 20-25 की संख्या में लोग आते हैं, वो डायरेक्टली रेसिडेंट डॉक्टर्स एड्रेस करते हैं। बेसिकली तो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स जो होते हैं, जिनके जो रात के टाइम इमरजेंसी में पेशेंट के साथ साथ वहाँ जो मॉब को फेस करती है, रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। और अगर कोई भी घटना होती है वो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी लैब्स की तरफ होती है, या हम ये कह सकते हैं अगर सिक्योरिटी है तो इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स। तो इसलिए सरकार से ये डिमांड है कि जो भी ऐसे एक घटना हुई है, इस घटना आगे चल के नहीं हो, इसलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। और साथ साथ सरकार से हमारा ये भी अनुरोध, ये भी निवेदन है कि पैन इंडिया जितने भी अस्पताल में, उसमें सिक्योरिटीज़ की व्यवस्था टाइट की जाए, और जो भी हो जैसे भी हो सिक्योरिटी की व्यवस्था को टाइट की जाए। ये बताइए, निर्भया कांड जब हुआ तब बस स्टॉप पर एक महिला को निशाना बनाया गया, अब अस्पताल के अंदर जाकर ये घटना सामने आई है। सबसे पहले जब आप ये सुनती हैं इस घटना के बारे में तो क्या जहन में आता है? मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ और मैं खुद बंगाल से हूँ, सो आई नो द टोटल सिचुएशन कैसा है वहाँ पे। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरी इंडिया में सेम सिचुएशन अभी है। निर्भया का जब वो कांड हुआ था उसमें एक पूरा सुनसान जगह था, एकदम अलग माहौल थी सब कुछ, लेकिन एक लेडी डॉक्टर को अपने वर्क प्लेस में ऐसे गंदे तरीके से वायलेटेड एंड मर्डर्ड, दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। हम लोग ने भी नाइट ड्यूटीज करते रहते थे वहाँ पे, मतलब ऐसे ही, तो मतलब कभी सोच भी नहीं। सेफ्टी को लेकर अब चिंता है? ऑब्वियसली, मतलब अब हर नाइट ड्यूटी पे जान की डर रहेगी, पहले वो नहीं रहती थी लेकिन अब जान की डर रहेगी। सो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, और सच में सज़ा चाहिए। अगर सज़ा नहीं होगी तो हम लोग कभी शांति से काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, समाज सोसाइटी है साथ में? नो मैम, आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम हियर फॉर द सोसाइटी, फॉर ऑल द वुमेन, फॉर ऑल द नॉट इवन वुमेन, मेन। आप डॉक्टर नहीं हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पूरी सॉलिडारिटी के लिए आई हूँ। सॉलिडारिटी के लिए आई हूँ क्योंकि हम ये जो इशू है, ठीक है, हर एक वुमेन, आप भी एक वुमेन हो, आपको पता होगा आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हैरेसमेंट और सिचुएशन फेस किया होगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो, रोड पे चलते हुए कमेंट हुआ, पर हम लोग डर जाते हैं क्या बोलना क्या नहीं करना, ये बहुत गलत है। हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य, हम लोग भी पश्चिम बंगाल के भवन के बाहर अभी प्रोटेस्ट करके आए हैं। 2:30 बजे हमारा कॉल था और यही डिमांड को लेकर के कि ये डॉक्टर हो चाहे किसी भी देश की किसी भी कोने की महिला के साथ अगर इस तरीके की दुर्बल वर्तना ऐसी होती है, उन लोगों के न्याय के लिए भी हम लोगों को आने की जरूरत है। एक तरह से ये भी बात कही जा रही है कि कोलकाता में एक बैनर मैंने पढ़ा था कि जब आप अपने यंग डॉटर्स को ये सिखाते हैं कि बैड टच क्या है, तो अपने यंग बेटों को भी सिखाइए कि उसका क्या मतलब होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि घरों में, फैमिली में इसकी शुरुआत हो,
मैम आई थिंक कमिंग जनरेशन में हमें इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे की जनरेशन आएंगे दे विल टीच देयर सन्स एंड डॉटर्स इक्वली, पर जो पहले के लोग हैं अब उनका हम क्या कर सकते हैं। बहुत बदलाव इस वक्त समाज की ज़रूरत है। और आपकी बहन स्कूल में है, आप क्या सोच के आई, क्या आपको लगा कि आपको क्यों आना चाहिए? ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, कुछ अनफेयर हो जाए तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए उसके आगे। आप साथ खड़ा होना चाहती थी इन डॉक्टर्स के? यस। आप कौन सी कक्षा में? 11th। आप 11th में हैं, उनको इन्होंने भी तो आगे बढ़ना है। अब ये डरेंगे, वो डॉक्टर थी, अब ये स्कूल में कुछ भी प्रोफेशन चूज करने से पहले तो डर लगेगा ना कि भाई आर्ट्स सही होने चाहिए, लेट आर्ट्स में वर्क करेंगे, वर्क प्लेस में आते जाते। अभी जो वो नर्स के साथ हुआ वो भी तो वर्क प्लेस से वापस आ रही थी, तो मैम ऐसे सेफ्टी में वुमेन कैसे एम्पावरमेंट होगी, वुमेन आगे कैसे बढ़ेगी, वुमेन नहीं बढ़ेगा तो हमारा सोसाइटी, इकोनॉमी, पूरा कंट्री प्रोग्रेस कैसे करेगा। मन में फियर हुआ तो लड़कियों को तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, स्कूल्स में सेफ नहीं है, घर पे सेफ नहीं है, रोड पे सेफ नहीं, कहीं सेफ नहीं है, तो ये आवाज़ उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर्स के साथ इस वक्त खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इन दो बहनों को ये लगा इसलिए आई है, खुद डॉक्टर्स नहीं है लेकिन यहाँ पर इन डॉक्टर्स के साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए आई हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए आई हैं। हम अंदर जाकर एक बार फिर कोशिश करेंगे, जो अंदर डॉक्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं निर्माण भवन के ठीक बाहर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। इनको अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करे सरकार, ये अश्योरेंस इनको सरकार से चाहिए और यही इनकी मांग है, इसलिए ये लोग यहाँ इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। प्रदर्शन पर हैं, आपको लग रहा है क्या अश्योरेंस मिलने के बाद ये खत्म हो पाएगा? तब तक आप लोग डटे रहेंगे यहाँ पर? अश्योरेंस मिलने के बाद ही हम हटेंगे, वरना हम नहीं हटेंगे। अनंत काल के लिए हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, जब तक जरूरी है, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे यहाँ से। तो अभी काम पर लौटने के लिए एक अश्योरेंस चाहिए अपनी सेफ्टी को लेकर? हाँ, हमें सेफ्टी चाहिए, जब तक वुमेन को सेफ्टी नहीं मिलेगी हम काम नहीं करेंगे। आप जब यहाँ खड़ी हैं क्या आपको अपने मरीजों की याद आ रही है? क्या लग रहा है कि एक वहाँ भी एक आपकी एक जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, मैं कल को डॉक्टर बनूंगी, मैं ड्यूटी करूंगी, मैं नहीं चाहती मैं ड्यूटी पे हूँ कोई मेरा रेप करके चला जाए, कोई मुझे मार जाए, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है अभी, मेरा परिवार है, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है, ये जान का सवाल है। कोई भी आके कहीं भी आके डॉक्टर्स को मार के चला जाता है, कुछ नहीं होता उसके अगेंस्ट, जब कोई भी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाए तो वो एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। इट इज वेरी रिडिकुलस कि हमें इसके लिए यहाँ पे खड़े होके मांगना पड़ रहा है सरकार से, बेसिक राइट है, हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अगर हम सेफ नहीं है तो हम किसी और को क्यों बचाएं? हम क्यों इतना पढ़े, हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों रात में उठ के आए नाइट ड्यूटी के लिए, क्यों इमरजेंसी आई है, हम क्यों आए जब हम सेफ नहीं है? जो रात में आया वही इंसान हमें मार के चला जाएगा, मैं मरना नहीं चाहती। आज देश भर से एक ही मांग उठ रही है, इंसाफ चाहिए, एक ही मांग उठ रही है, न्याय चाहिए। एक ही आवाज है कि महिलाओं के लिए उनके कामकाज की जगह सुरक्षित हो। एक ही आवाज है कि महिलाएं चाहे बस स्टॉप हो या फिर अस्पताल, सुरक्षित महसूस करें। आज सच की पड़ताल में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।